ओह वन मोर सो एवरीबॉडी इज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे एंड वी सडनली मेड अ प्लान कि मेरा कजन आया हुआ घर में और वी सडनली मेड अ प्लान कि आज वर्कआउट सेशन रखे। हमें ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गया वर्कआउट करते हुए और हमने कभी भी इकट्ठे मतलब वर्कआउट नहीं किया, कभी भी इकट्ठे वर्कआउट नहीं किया। और ये सडनली यहाँ पे शादी में आया हुआ था, आज रात है अरुण भैया की, पर ये रुक गए, इसने सोचा कि चले ही जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज दोपहर को फ्री हैं तो वर्कआउट कर ले इकट्ठे। नाउ अगेन वी आर हैविंग दिस बीट रूट एज अवर प्री वर्कआउट। भाई पंप के लिए बहुत बेटर है, बहुत बेटर, तुम्हारे मसल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। Having a gym session with him for the very first time. We're working together today. इसमें दांत कैसे रहते हैं? Shoulder क्या warm up में हम सिर्फ shoulder ही warm करेंगे, जो important है। बाजी नहीं है तू, मेरे को बता प्रॉपर आ रहा कि नहीं। कर्व डाल डाल ली हुई है, लग रहा है कुछ पुश कर। फर्स्ट एक्सरसाइज आज हमने सोची है कि स्मिथ मशीन में करें हम अपने अपर चेस्ट को ट्रेन, प्लस केबल फ्लाइज वो भी सुपर सेट में, टोटल 8 सेट जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। सो ओए पहला आइडियल वेट कितना लेना है? मैं सोच रहा हूँ 15-15 डाल दे। नहीं नहीं 10-10 डाल दे, हल्के से स्टार्ट कर, सुपर सेट है भाई, खत्म हो जाएगा चेस्ट ये सब। इंट्रा वर्कआउट में क्रिएटिन ले रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है और साथ में ब्लूबेरी फ्लेवर है ना, ब्लूबेरी फ्लेवर, और साथ में मतलब बड़े काफी टाइम बाद वर्कआउट कर रहे हैं और सुपर सेट इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए चेस्ट में अभी पंप आ चुका है। यू कैन सी इट लाइक ये देखो, बाद में टी शर्ट खोल के दिखाएंगे। अभी मेरा लास्ट सेट है इंक्लाइन का और एक केबल का और हम चेस्ट के लिए डन हो जाएंगे। सेट ओह 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 छह चार हो गया हो गया हो गया फिनिश। चेस्ट की हमारी खत्म हो चुकी है, वी आर डन विद द चेस्ट, और आज हम लैट पुल डाउन के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब ये वाली मशीन हमने ऑप्ट की है क्योंकि डांस के जिम में ये वाली मशीन नहीं है तो उसको इसका भी एक्सपोजर होना चाहिए। और इसके साथ हम सुपर सेट में करेंगे रोप पुश डाउन, रोप पुल डाउन, क्योंकि ये भी लैट्स में आएगी और वो हमारी लैट्स को इंटेंस ट्रेन कर देगी और हम बैक के लिए भी डन हो जाएंगे। वेदांश इज़न्ट इट गुड कि जब तुम्हारा अपने पीक में भी नहीं हो, पीक डेज में, बट यू आर स्टिल डूइंग गुड, मज़ा आ रहा है ना, पुल अच्छा बज रहा है, मतलब सिंगल सिंगल मसल फील हो रहा है। गुड गुड कीप डूइंग। अभी हमारा लास्ट सेट होगा लैट पुल डाउन का एंड यू ऑल जिम ब्रोस यू शुड बी जेलस अबाउट दिस मशीन अगर तुम्हारी जिम में ये वाली मशीन नहीं है, क्योंकि इतना बेस्ट पुल देती है ना और इतने मतलब लाइक यू विल बी एग्जॉस्ट अगर तुम इधर ट्रेन कर रहे हो रादर देन दैट लैट पुल डाउन। ऐसा लगोगे तुम कुछ जेलसी व्हाट एंड मेरे YouTube चैनल में
somebody was saying ki you're not doing it good, matlab tumhari form achhi nahi hai, dekhna meri form achhi hai ki nahi hai, and he was saying ki tumhe ye triceps ke sath karne chahiye, tricep extension, bro it's not a tricep extension, it's a lat pull down, aur ye yun aati hai kuch pura pull leke, so include it in your daily workout and your lats be gonna be your wings soon. Mostly logo ki exercise perform karna nahi aati hai, but he is doing great, good job buddy. और ये एक्सरसाइज टिल फेलियर तक जाओ, बेशक 5 का डंबल उठा लो बट टिल फेलियर तक जाओ, 17 गुड, कोई इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं करना, सो इसका सुपर सेट मारेंगे इस मूवमेंट के बाद, हैमर मूवमेंट बस, कीप इट सिंपल एज मी. Am I complicated to you guys? Done for the day and the workout has been completed. This is my bro. आज का session बड़ा ज़्यादा मज़ेदार रहा. Upper body trained. बड़े दिनों बाद और सोन भी कॉल कर रहे हैं बाहर में जाए. मजा आया तो अभी घर में जाके पोस्ट वर्कआउट लेंगे एंड इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं. सो टेक केयर, बाय बाय एंड डू वर्कआउट.